प्रेमिक साहब, अभी आपने बात की और आप इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट भी कर रहे हैं, तो अंडर द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज, एज यू नो, वी हैव सेड ऑल इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द पब्लिक सेक्टर विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. उसकी टाइमिंग देखी जा सकती है, बट एनी एक्टिविटी विच हैपन्स इन द प्राइवेट सेक्टर, देर इज नो रीजन व्हाट्सोएवर that in the government we hold on to those entities or on to those functions. If they are, even if they are strategic functions, if this can be done by the private sector ko karne ki zarurat hai, as far as the government is concerned, we are there to provide policy, the policy framework, the policy continuity, and the private sector has to lead this country. Ye aapka hai, aur jab aapki regulated activity aap jayegi, aapne insurance reforms ki baat ki hai, और आपने उससे बड़ा जबरदस्त काम किया है कि 5 साल का आप एक इंश्योरेंस पैकेज लेकर आए हैं. लेकिन अब इंशाल्लाह एज यू गो फॉरवर्ड द एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर शुड बी मैनेज्ड एंड हेल्प बाय द प्राइवेट सेक्टर. द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन इज कि हमने अगर ये फंड का आखिरी प्रोग्राम करना है, देयर हैज टू बी रोड टू मार्केट, एंड दैट रोड टू मार्केट हैज टू बी थ्रू एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ. इट हैज टू बी थ्रू फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच कम्स इन फॉर एक्सपोर्ट लेट इंडस्ट्रीज, बिकॉज बाहर से बोरो करके हम करेंसी मिसमैचेस क्रिएट नहीं कर सकते. और वो जो इस वक्त हमारी कुछ दिक्कत आ रही है, वो उन करेंसी मिसमैचेस की वजह से आ रही है. तो अगर हमने बाहर से बोरो करना है, those have to be for the projects which in turn actually produce foreign currency for the country. And the last thing is access back into the international capital markets, and that's where FCCP plays such an important role in terms of bringing capital markets back into the fold. जो इस वक्त बैंकों की बात हो रही है, देयर सो मच डिपेंडेंस ऑन द बैंक, और एज अ फॉर्मर बैंकर आई कैन से दैट नॉट ओनली जस्ट लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, और उसमें हमें अपना ज्यादा फिस्कल डिसिप्लिन लाना है ताकि हम बोरिंग जो है वो कम करें, लेकिन लेंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर इज वेल. तो एक्विटी एंड द डेट मार्केट्स हैव टू कम टू द फोर्थ सो दैट वी कैन डाइवर्सिफाई द फंडिंग बेस एज वी गो फॉरवर्ड. तो ये अंडर अकिल साहब आपकी लीडरशिप में ये जो कैपिटल मार्केट्स का एजेंडा है, ये हमने इंशाल्लाह आगे लेकर जाना है. नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट एट हैंड, व्हिच इज द बिल्डिंग जो अब आज जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग की आज बात है. इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द इंक्लीमेंट वेदर दैट वी कैन नॉट एक्चुअली बी एट द साइट वेयर द इंशाल्लाह द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बिगिन सून. तो ये 24 साल पहले आइडिया कंसीव किया गया है, एंड देयरफॉर इट्स वेरी बिफिटिंग दैट द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू बी हियर एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि उनके ये हाथों से ये बात शुरू हुई. और तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि नाउ वी सॉर्ट ऑफ टेक इट फॉरवर्ड. और अब इसको 24 साल नहीं लगाने से कंस्ट्रक्शन में आप इसको कोशिश करें कि अगले, अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते तो वो कहते हैं कि 1 साल में इसको कंप्लीट कर दें, लेकिन अब आपको थोड़े से साल और दे देंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने आपको बात की. Of course, as a successor to Corporate Law Authority, and that's where Shri Ravan Khan Sahib ka bahut contribution hai, unka bada leadership ka role hai ki isko aage ye kaise lekar chale. But now you are a unified regulator for the corporate sector, capital market, and the FIs and the insurance sector. Main baat kar chuka hu capital market development ki, ki itni important cheez hai ki agar humne modernity lani hai, efficiency lani hai, transparency lani hai, so it is going to come through the capital markets as we go forward. Aapka dusra jo critical function hai is being the guardian of public interest and ensuring that markets remain fair, transparent and accountable. Aur ye bahut hi ek I would say delicate balancing act hai ki how far do you go. You have to do what you need to do to ensure कि इसमें जो जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी हो, बट उस लेवल तक भी ना जाए कि जो इंडस्ट्री है वो स्टाइफल हो जाए. तो आई थिंक इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट दैट ऑल ऑफ यू अलॉन्ग विद योर कमिश्नर्स नीड टू डू एज अ प्राइमरी रेगुलेटर. और इसमें जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसमें इन्वेस्टर एजुकेशन है, डेवलपिंग न्यू फाइनेंशियल